सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यारे मित्रों जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों आज आपसे चर्चा करते हैं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि जिस दिन से नवरात्रियां प्रारंभ होती हैं, तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत इस बार 22 मार्च बुधवार से हो रही है। 19 मार्च को रविवार के दिन पंचक भी लग रहा है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च बुधवार से हो रही है, इसमें पूर्व ही पंचक लग रहा है। 19 मार्च को रविवार के दिन पंचक लग रहा है, तो रविवार को पंचक होने वाला पंचक रोग पंचक कहलाता है। 22 मार्च को चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और पूरे दिन ही पंचक का प्रभाव भी रहेगा। अब लोगों के मन में सवाल उठता है कि रोग पंचक में नवरात्रि की कलश स्थापना कैसे करें। चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना के समय भी पंचक रहेगा। कौन सा अशुभ और कौन सा शुभ मुहूर्त उस समय हो जिसमें पूजा करने की लिए हमको उपाय और पूजा करने का समय निर्धारित करना चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 2023 के पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि की शुरुआत होती है और पहले ही दिन से कलश स्थापना की जाती है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस साल 22 मार्च को 8:20 तक प्रतिपदा तिथि है और इससे कलश स्थापना 22 मार्च को ही की जाएगी। और आपको जैसे बताया कि इसमें पंचक है, तो पंचक में कलश स्थापना करने पर कोई दोष नहीं है। पंचक में क्या क्या कार्य हमको नहीं करने चाहिए इसको भी मैं आपको बता रहा हूँ। पंचक में कलश स्थापना पर रोक नहीं होती है। पंचक में कोई कुछ कार्य जैसे होते हैं, जैसे चारपाई बनवाना या सैया का निर्माण या छत डलवाना, जिसमें बांधने का गूथ लगाने का कार्य होता है, वो कार्य नहीं किए जाते हैं। इसलिए कलश स्थापना पर कोई भी पंचक का प्रभाव नहीं रहेगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगे।